हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट लाइफ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपना बॉर्डर पैटर्न सीरीज़ का कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज के दिन जो हम लोग एक नया बॉर्डर पैटर्न सीखेंगे वो जो होगा फ्लोरल पैटर्न्स होगा, फ्लावर का यूज़ करेंगे हम लोग। और उसको एक बॉर्डर के तौर पर नहीं, हम लोग जो साइड पर जो डिज़ाइंस जाती हैं जो ट्रीज़ में यूज़ होती हैं उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं वन साइड आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है। सबसे पहले कोई भी एक फ्लावर की शेप मैंने यहाँ पे ली है, उसके बाद लाइक दिस। कुछ लोगों को पेटल्स में दिक्कत आती है, तो फ्लावर पेटल्स क्या होते हैं ये कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कोई भी पैटर्न देखो, हल्की सी उसमें कर्वनेस आती हैगी। तो आप लोगों को ये नहीं है कि बिल्कुल यही, अगर आपने बता दिया 6-7 हाँ बनाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक आपका बैलेंस होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं। नहीं तो बहुत से लोग टेंशन लेने लगते हैं कि हमारे फ्लावर में इतने पेटल्स नहीं आए, क्योंकि होता है फ्लावर्स जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो चेंजिंग होती है, तो उसमें आप लोग बिल्कुल एग्जैक्टनेस नहीं दिखा सकते हैं, वो एक चीज़ रहती है ड्राइंग में। सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट यहाँ पे सिमिलर लाइक दिस यहाँ पे आप लोग, क्योंकि फ्लावर में भी जो आपने देखी होगी ये जो लाइंस होती हैं एग्जैक्ट, जब आप किसी फ्लावर के पैटर्न को स्टडी करते हैं तो वो स्टडी आपको अलग समझ आती है, लेकिन जब आप ओवरऑल फ्लावर को देखते हैं तो पेटल्स में अंतर आ जाता है। इसी के साथ यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम लाइक दिस। अब इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एक पूरे पेज पर आप डेकोरेशन दे सकते हैं शॉर्टली, जैसे मैं यहाँ पे दे रही हूँ। यहाँ पर इस तरीके से सेम डेकोरेशन, तो बेस इसका यही है कि या तो यहाँ आप लोग टू फ्लावर्स को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं बोथ साइड पे, यहाँ पे चारों जगह आप लोग इस तरीके से पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी प्रिटी लगेगा, या फिर आप वन साइड पे सिर्फ इतना ही आप फ्लावर जो है ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ साइड से चाहें तो आप लोग जस्ट शॉर्ट फ्लावर पैटर्न्स कहीं से भी, क्योंकि फ्लावर कहीं से भी आप लोग देखें वो उसकी अलग ही ब्यूटी होती है। तो ये फ्लोरल पैटर्न मैंने आपको बताया है, इसी के साथ क्या करना है कि जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है फ्लावर्स को नहीं बताना है तो क्या कर सकते हैं, जो अपने इस तरीके से शॉर्ट फ्लावर कहीं भी बना सकते हैं, ये इसलिए यहाँ पे मैंने प्लेन पेपर यूज़ किया है लाइक सेंटर में इस तरीके से, और कोई भी शेप आप लोग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं यहाँ पर, फिर जो भी आपको पसंद है। ये जस्ट मैंने आपको एक बेसिक बता दिया कि इस तरीके से भी आप लोग नॉर्मली अपना पेपर डेकोरेट कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, बाय।